आज का टॉपिक आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके फीचर देख लो, ठीक है? मैं आपको यहाँ से एग्जांपल समझा रहा हूँ, फटाफट देखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जान दो, इसमें मान लो कि दो पार्टी होती है। जैसे मान लो कि मिस्टर आलम ने गुड्स सोल्ड किया किसको, मिस्टर आलोक को, ठीक है, उधार। तो अब यहाँ पे मिस्टर आलम, ठीक है, क्या कहलाएंगे, एज ए क्रेडिटर यानी लेनदार, या फिर कहलाएंगे ड्रॉल ऑफ बिल। और जो ये बिल्स कॉपी रिसीव करते हैं इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक तरह का असेट होता है। और मिस्टर आलोक, ठीक है, जो पैसा पे करेंगे ये कहलाते हैं डेटर यानी देनदार, या फिर ड्रॉई ऑफ बिल। और ये जो कॉपी रिसीव करते हैं इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होती है? एज एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। और यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेना कि अगर मान लो कि मिस्टर आलम के पास ये पैसा है, ये बिल है, ठीक है, वो कि मिस्टर आलोक से लेना है, वो ये चाहे बिल्स को, ठीक है।